दुनिया में जब भी सबसे खूबसूरत, सुविधाजनक और आलीशान शहर की बात आती है तो उस सूची में दुबई का नाम लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। यूनाइटेड अरब अमीरात का इस शहर में बड़े से बड़े ब्रांड और महंगी से महंगी चीज मिल जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर दुबई इतना अमीर मुल्क कैसे बना और इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए जानते हैं। अगर आपको ये लगता है कि दुबई के इतने ज़्यादा अमीर होने की वजह तेल है तो सही नहीं होगा। अगर आप आंकड़े पर नज़र डालेंगे तो हैरान होंगे ये जानकर कि आज का दिन दुबई के जीडीपी में तेल का योगदान सिर्फ 1% है, जहां टूरिज्म करीब 20%। लेकिन 50 साल पहले 1970 के दशक में दुबई जीडीपी में तेल की हिस्सेदारी करीब 50% थी। लेकिन दुबई के शेख तेल की योगदान को सिर्फ शुरुआती डेवलपमेंट में यूज़ किया। वहीं अगर दुबई के इतिहास के बारे में बात करें तो साल 1770 से लेकर 1930 तक यहां की कमाई का मुख्य सोर्स मोती इंडस्ट्री था, जो मौजूदा यूएई बनने के पीछे की बड़ी वजह है। यहां फारसी की खाड़ी, मछुआरे के गांव के रहने वाले लोग समुद्र में से मोती खोज कर लाते थे, जो व्यापार का एक बहुत ही अहम सोर्स था। हालांकि इसने बाद में कुछ बड़ा करने के लिए एक अलग ही तरीका सोच लिया, जो दुबई को अमीर बनने में एक अहम भूमिका निभाए। साल 1985 में दुबई ने अपना पहला मुक्त क्षेत्र यानी फ्री जोन स्थापित कर लिए। इस फ्री जोन का नाम जाब्जा यानी जेबल अली फ्री जोन रखा गया। 52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुबई का ये फ्री जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। इसी वजह से ये ग्लोबल बिजनेस के लिए बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बना। दुनिया भर के व्यवसायी आज पूरे यूएई के 29 फ्री जोन सेक्टर का लाभ उठा रहा है, जो टैक्स में छूट, कस्टम ड्यूटी के लाभ और विदेशी मालिकों के लिए इस्लामिक प्रतिबंध की कमी की पेशकश करते हैं। इस फ्री जोन यानी जाब्जा की हजारों कंपनियां दुबई में 20% विदेशी इन्वेस्टमेंट करती है और अनुमान के अनुसार 1.5 लाख कामगार गैर तेल बिजनेस में $80 अरब से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं। ये दुबई शहर के जीडीपी का करीब 21% हिस्सा है। दोस्तों, यूएई जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया भर में तीसरा सबसे अमीर देश है। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर कतर और दूसरे स्थान पर लुक्जमबर्ग का नाम है। दुबई के प्रति एक व्यक्ति की जीडीपी $57,744 है। इन पैसा का ज़्यादातर हिस्सा माल के प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, एल्युमिनियम और सीमेंट से जुड़ी दी जाने वाली सर्विस के प्रावधान से आते हैं। दोस्तों, दुबई को अमीर बनने के पीछे जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है वो है दुबई के शासक शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम। साल 1958 में उन्होंने यहाँ के एक बुनियादी ढांचे में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने $अरबों के कर्ज से इसे पूरा किया, जिसके बाद साल 1960 में दुबई अपना पहला एयरपोर्ट बनाया। तेल की झंझट से दूर जाने के बाद वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने लगा। शेख रशीद इतनी बड़ी विजनरी लीडर हैं कि वो दूर का सोच सकते हैं, इसीलिए दुबई में आज दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग, सबसे बड़ा होटल, सबसे बड़ा मॉल, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा गार्डन और सबसे बड़ा मैनमेड आइसलैंड पाम जुमेरा मौजूद है। बीते 30-32 साल में दुबई इतनी तरक्की की है कि आप पुराना दुबई और नए दुबई शहर को देखकर हैरान रह जाएंगे। टैक्स में छूट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरटेनमेंट और गजब की सेफ्टी के लिए हर कोई दुबई में व्यापार करना चाहता है। ये दुबई के शेख का कमाल है, जिन्होंने दूर तक का सोचकर दुबई को इस लायक बनाया और आने वाले समय में भी दुबई ऐसे ही कई चीज़ बनाने जा रहा है, जैसे कि अंडर वाटर रेस्टोरेंट, अंडर वाटर रेल ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ी दुबई लैंड पार्क और भी कई। दुनिया भर से लोग आज दुबई में घूमने जाना चाहते हैं और दुबई दिन ब दिन नई सोच से दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर बनता जा रहा है। तो आज का सफ़र यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।